गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो आज फिर एक नया स्टॉक लेकर के आया हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समयों में यह स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न देगा। पीछे भी रिटर्न दे चुका है और आगे भी ज़बरदस्त रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो स्टॉक जो है एट प्रेजेंट देखा जाए तो 1165 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कल जो है 17.90 रुपये गिर करके बंद हुआ था, 1.5% गिर करके बंद हुआ था। यदि आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये एक वीक का चार्ट है, पॉजिटिव है। एक मंथ का चार्ट ये भी देखिए बहुत बेहतरीन है, 3 महीने का चार्ट ये भी बेहतरीन है, 1 साल का चार्ट ये भी बेहतरीन है, 2 साल का चार्ट ये भी बेहतरीन है, 5 साल का चार्ट। अब ये 5 साल NSE में अभी मात्र 2 साल हो रहा है, BSE में देखिए तो 5 साल, देखिए BSE में 5 साल का भी चार्ट मिल गया। इन 5 साल के चार्ट को देखिए, देखा जाए नीचे वाली ऊपर वाली बिंदु को मिला दिया जाए इसे, देखिए तो बिल्कुल इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्शन सिर्फ 2-3 सालों में है, यह पहले से ही है। लगातार ये कंपनी जो है आउट परफॉर्म कर रही है। अब 5 वर्ष लो और हाई देखा जाए तो 5 वर्ष पहले जो है ये 116 पर ट्रेड कर रहा था, एट प्रेजेंट 1206 पे। यानी देखा जाए तो लगभग 10 गुना यह कंपनी रिटर्न दे चुकी है। सॉरी, 5 वर्ष हाई जो उच्चतम स्तर था 1206 था और ये 1144 एट प्रेजेंट है। देखा जाए तो लगभग 10 गुना तो हुई कंपनी रिटर्न दे ही चुकी है पिछले 5 सालों में, और भी बेहतरीन है। ज़रा इसका रिटर्न का पीछे का रिटर्न के मुआयना एक हल्का सा कर लिया जाए तो ये देखिए NSE पे जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 1 सप्ताह में 4.72, 1 महीने में 14%, 3 महीने में 65%, 6 महीने में 125% और 1 साल में 288%। लेकिन BSE पे जाएंगे तो आंकड़े पुराने मिल जाएंगे। ये देखिए वही सब है, देखिए इसमें 5 साल से 849% 5 सालों में इसने रिटर्न दिया हुआ है। ज़रा इसका और हाई ले जो 52 का हाई लो होता है, ज़रा उसके हम लोग आंकड़े देख लेते हैं तो शेयर के बारे में थोड़ी सी मजबूती के बारे में पता चलता है। अब आप देखिए इसका 52 का हाई देखिए तो 1209 है। कब बना है ये 1209? कब बना है देखिए, ये बना है 4 मई 2021, यानी कल के दिन ही ये हाई बनाया है। तो अपने बिल्कुल उच्चतम स्तर पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है देखा जाए तो। 52 लो देखेंगे तो 18 मई 2020 को बना है। मूविंग एवरेज जरा देखा जाए, मूविंग एवरेज देखेंगे तो ये देखिए 5 दिन का मूविंग एवरेज 1164, 20 दिन का 1054, 50 दिन का 901, 100 दिन का 796 और 200 दिन का 619 है। EM में देखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो वो भी बहुत देखिए, 5 दिन 1154, 20 दिन 1060, 50 दिन 941, 100 दिनों का 823 और 200 दिन का 684 कंपनी ट्रेड कर रही है। और देखेंगे फंडामेंटल इसके बारे में ज़रा जानते हैं तो ये देखिए, ये कंपनी जो है प्लास्टिक सेक्टर में काम करती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है। 1165 का भाव है, मार्केट कैपिटल 1529 करोड़ है, बहुत ही छोटी कैटेगरी की कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। EPS देखेंगे तो 25.96 रुपये, यानी 26 रुपये लगभग ये लाभ कमा लेती है एक शेयर पर। PE 44.94 है, इंडस्ट्री PE 60 है, यानी देखा जाता है इंडस्ट्री PE से सस्ते पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और देखिए बुक वैल्यू 255 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.57 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी PE और PBV दोनों के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा स्टॉक महंगा है। लेकिन और आगे देखिए, फेस वैल्यू 10 है और टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में है इसके 1.31 करोड़ टोटल शेयर्स हैं। इन्हें देखा जाए तो इसकी शेयर्स कम फ्लोट है मार्केट में। और देखिए रिटर्न रेशियो देखिए, ROE 11.90, ROCE 11.93, ROA 6.4, बॉर्डर लाइन पे है ये। मैं स्टॉक एज ऐप यूज कर रहा हूँ, इसके बाद हम एक और भी वेबसाइट पर चलकर चेक करेंगे। FCNC अब देखिए तो EBITDA देखिए 1309, तो बहुत बेहतरीन है। EBIT मार्जिन, PAT मार्जिन भी ठीक ठाक है, कोई वो नहीं है।
अर्निंग पर शेयर ये चल रहा है, बुक वैल्यू सब पहले ही दिखाया जा चुका है। डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़रा देख लेते हैं, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.31 है, यानी 0.50 से कम है, अच्छा है, बढ़िया है। और देखते हैं ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 52% है, जो कि बेहतरीन है। प्लेज बिल्कुल जीरो है, प्लेज कुछ भी नहीं है। FII के पास 3.19% है, DII 8.07% है, 36% जो है पब्लिक के पास ही है। प्रोमोटर देखिए टोटल इंडियन प्रोमोटर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो मीनाक्षी गुप्ता, समीर गुप्ता जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता लोग हैं वही है। और देखिए इसके, अरे सॉरी, और देखिए हम इसको पब्लिक शेयर होल्डिंग परसेंट में देखिए तो IDFC टैक्स एडवांटेज 3% रख रखी है, कोटक स्मॉल कैप के पास है, मालाबार इंडिया फंड है, मालाबार वो है। और गैर संस्थागत में देखिए तो मुगुल अग्रवाल कोई है, मुकुल अग्रवाल ये 500,000 शेयर रख रखे हैं। आशीष कचौलिया, वो मार्केट के वेटरन इन्वेस्टर जो हैं, 3% होल्ड करते हैं, 4,68,000 शेयर रखे हुए हैं। और आप साकेत अग्रवाल है, बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी दिखा रहा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी ज़रा देखना चाहिए इसके, म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखते हैं हम तो, म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए IDFC टैक्स एडवांटेज और कोटक स्मॉल कैप रखें। अब हम इस कंपनी के डिलीवरी वगैरह आंकड़े को देखें तो डिलीवरी देखिए ये देखिए डिलीवरी में देखिए 57, 54, 60, 69, 50, 52, 57, ये कल ही जो है थोड़ा सा कम हुआ है 38%, बाकी 50% से ऊपर का एक डिलीवरी रेशियो चल रहा है। अब हम चलते हैं इसके, तो हम आ गए स्क्रीनर की साइड पर। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा क्या लिख रहा है, देखिए अपोलो पाइप्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिंग एंड PVC पाइप एंड फिटिंग्स। की पॉइंट्स क्या है देखिए इसके, सॉरी मैंने कंपनी का नाम नहीं बताया, कंपनी का नाम है अपोलो पाइप्स, तो अपोलो पाइप्स के बारे में बात करेंगे। इक्विप्ड विथ स्टेट टू आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑपरेट्स लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, देखिए कहाँ कर, दादरी सिकंदराबाद UP में है, अहमदाबाद में है, गुजरात तुमकुर में, कर्नाटक, टोटल कैपेसिटी ऑफ इतना। ये क्या कह रहे देखिए, मल्टीपल एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट प्रोफाइल इंक्लूड्स ओवर 100,000 प्रोडक्ट वेरिएंट ऑफ CPVC। देखिए तमाम तरह की जो पाइप्स होती है जो घरों में सैनिटरी और सिंचाई वगैरह में यूज होता है, कई तरह की बनाती हैं। और देखिए आगे ये फैसिलिटी जो है रायपुर में कुछ बढ़ा रहे हैं, ये 21 मार्च में फैसिलिटी ये शुरू हो गई है, विथ अ प्रपोजल 7,200 मीट्रिक टन पर एनम कुछ ये बनाना चाहते हैं। एंड द कंपनी इज अंडरटेकिंग, देखिए सब बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपनी नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, तो ओवरऑल कंपनी का ठीक है। अब स्क्रीनर पे देखिए, स्क्रीनर पे क्या स्थिति है कि जो स्टॉक एज ऐप पे 11% के आसपास ROCE दिखा रहा था, यहाँ पर देखिए ROCE जो है 16.13 है, यानी ये ठीक दिख रहा है। ऑल टाइम हाई से 3.58% नीचे है। यहाँ इसका चार्ट देखिए, चार्ट देखेंगे तो आप देखिए 50 डे और यहाँ बनाया है इसने एक गोल्डन क्रॉस लेवल जो है यहाँ बनाया था इसने, और वहाँ के बाद देखिए कैसे ये शेयर ऊपर जा रहा है। और देखिए क्या है अच्छाई, क्या है अच्छाई है रिड्यूस्ड डेप्ट इसने कम किया है, गुड क्वार्टर ग्रोथ दे रहा है, कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दे रही है, पिछले लास्ट 5 सालों में 232% से भी अधिक है। खराबी क्या है, खराबी ये है कि ये बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा महंगे पर है। दूसरा टफ, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रही है। यदि कोई कंपनी पैसे डिविडेंड देने के बजाय यदि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो वो कंपनी बेटर मानी जाती है। और कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE पिछले लास्ट 3 ईयर से कम इसने बताया है। अब आप देखिए इसके पीयर्स को देखते हैं,
पीयर्स को हम देखेंगे तो अब पीई के हिसाब से देखिए, एस्ट्रल जो सबसे अच्छी कंपनी है वो 112 पीई पे है, सुप्रीम 27 पे है, फिनोलेक्स तमाम तरह की चीज़ें ये 34 पर पीई पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखिए तो मार्केट कैपिटल में देखिए सबसे छोटी कंपनी, सॉरी सबसे जो मार्केट कैपिटल में आप देखिए तो मार्केट कैपिटल में ओहो मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखिए तो 1528 सबसे छोटी कंपनी है। अब आप ऊपर से देखिए तो ये 31,000 करोड़ की है, ये 27,000 करोड़ की है, 9,409, और जो सबसे बड़ी कंपनी है वो 31,000 करोड़ की है, ये 1528 करोड़ की है। यानी देखा जाए तो वो जो कंपनी है वो 20 गुनी बड़ी कंपनी है, अर्थात इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है अपने मार्केट कैपिटल को ऊपर ले जाने की। अब आप नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए तो 123 ये तमाम तरह की चीज़ें, ये 16 करोड़ का है। जो सबसे आकर्षक इसमें यहाँ पर ये है कि जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन आया है वो गजब का है। देखिए ये 168% बढ़ा है, हालांकि बढ़ने के लिए तो सुप्रीम 284% बढ़ा है, फिनोलेक्स भी 174 बढ़ा है, प्रिंस पाइप भी 175 बढ़ा है। लेकिन अब देखिए जो सेल्स, जो क्वार्टर, जो सेल्स प्रॉफिट तो बढ़े, सेल्स देखिए अब सेल्स बढ़ा है तो देखिए सेल्स आप देखिए तो यहाँ पर अब देखिए एस्ट्रल का 35% बढ़ा है, इसका 45% बढ़ा है, फिनोलेक्स का 52% बढ़ा है, प्रिंस पाइप का 38% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट 175% बढ़ा था। अब ये छोटी सी कंपनी एक और है, नीलकमल है देखिए, लेकिन इसका देखिए कितना बढ़ा है, 85% सेल्स बढ़ा है, सबसे अधिक सेल्स इसका बढ़ा है। और देखिए डाउन फ्रॉम ऑल टाइम डेप्ट इक्विटी रेशियो में देखिए तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग 52% है, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज 0 है, इंडस्ट्री पी वगैरह सब कोई चीज़ें ये दिखा रहा है। अब देखिए सेल्स ग्रोथ में भी आप हिसाब से देखिए तो सेल्स ग्रोथ में भी जो है ये कंपनी अपने महत्व दिखा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए तो प्रॉफिट ग्रोथ भी इसमें दिखा रही है। यानी दोनों तीनों जो पैरामीटर होते हैं उस पैरामीटर पर ये बिल्कुल खरी उतर रही है। अन्य चीज़ें और देखते हैं और आगे चलते हैं ज़रा, इसका प्रॉफिट लॉस के आंकड़े देखते हैं, प्रॉफिट लॉस का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स देखिए पिछले 4 सालों में 284 से 518 यानी दोगुने का लगभग बढ़ा है, एक्सपेंस भी उसी के मुताबिक बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोगुने से ज़्यादा हो गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी डबल हो चुका है, ईपीएस भी देखिए 19 से बढ़ करके 33 हो गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब कंपाउंड प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 सालों में 38% का चल रहा है, 5 साल में नहीं दिखा रहा है, 3 साल में 22% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 10 साल में 37, 5 साल में 232, 3 साल में 56। स्टॉक सीएजीआर देखिए 10 साल में 38% की दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 57%, 3 सालों में 27%, 1 साल में 286% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अब आप देखिए प्रमोटर आरओसी वगैरह देखिए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यदि आप 4 सालों से तुलना करें तो जो 2018 में 37% था वो कितना हो गया, 52 हो गया, यानी देखिए कितना बढ़ा, यानी बढ़ा 37 से 52 हो गया, यानी कि 15% की
होल्डिंग में इन्होंने बढ़ाया है, FII की हल्की सी कमी हुई है, TII की भी कमी हुई है, पब्लिक बढ़ा है, अदर्स भी स्टेबल है, तो अच्छी कंपनी है। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इसके ज़रा वेबसाइट पे चलते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे है, इसके बारे में जानना बनता है। ये देखिए वेबसाइट पर हमारे, अब जब हम वेबसाइट पर आते हैं तो देखिए ये कंपनी जो है उसी ग्रुप की है जिस ग्रुप की अपोलो APL अपोलो है, वो भी स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। इसके बारे में कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं कि देखते हैं कंपनी, ये देखिए रीड मोर, अब यहाँ पढ़िए, द कंपनी हेडक्वार्टर इन दिल्ली एमंग द मार्केट लीडर इन पाइपिंग रिटेल सेगमेंट अंडर ब्रांड APL अपोलो, APL अपोलो नाम से ये बनाते हैं। अब देखिए पूरी इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में मिस्टर समीर गुप्ता, इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, पिछले 3 दशक से है, पिछले 30 सालों से कंपनी काम कर रही है, तमाम तरह की चीज़ें देखिए 2000 में इन्होंने UPBC तमाम तरह की चीज़ें दी हैं, मतलब कुल मिलाकर के दिया, आप इसका अध्ययन करेंगे तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रही है, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। अब प्रोडक्ट रेंज देखिए, प्रोडक्ट कितने रेंज हैं, CPVC पाइप, UPVC, SWR पाइप, UGD देखिए पाइप 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 सावर किचन वाटर टैंक बाथरूम एक्सेसरीज, यानी हर घर में ये प्रोडक्ट यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ओवरऑल नज़रिया इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। यदि जो इसका जो अन्य कंपनी है APL अपोलो उसको देखेंगे तो वो भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एक बार ज़रा सा हम APL अपोलो को भी देख लेते हैं। APL अपोलो देखिए 1316 पे ट्रेड कर रहा है, 40 रुपये लगभग गिर करके बंद हुआ है, लगभग 3% गिर करके बंद हुआ था कल। इसका 5 साल का चार्ट देखिए, देखिए इसने भी क्या उम्दा प्रदर्शन किया है, एकदम सीधा, यानी पूरा जो ग्रुप है ना इसके सारी ग्रुप के सभी शेयर्स ऐसे अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। ज़रा इसका टेक्निकल देखिए, ये देखिए 1316 पर कंप्लीट ट्रेड कर रही है। अब आप देखिए 3 महीने में 41, 103, 405, 1 साल में गजब, 2 साल में 324 और 5 सालों में 720, यानी जब ग्रुप की दोनों कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है तो कोई संदेह नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त नज़रिया है। हालांकि एक चीज़ ये है कि ये कंपनी इस समय बिल्कुल अपने टॉप पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रुकना बनता है। 52 वीक हाई देखिए तो कल ही बनाई है, यानी 4 मई 2021 को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा सा करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, फिर करेक्शन पर इस कंपनी को ऐड करना चाहिए, या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इस कंपनी को हमें पोर्टफोलियो में हर स्तर पे खरीदारी करनी चाहिए, APL अपोलो ट्यूब भी और अपोलो पाइप भी। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अपना रिसर्च अवश्य करिए, किसी और के रिसर्च से पैसा कमाना दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली मारने जैसा है, अपना रिसर्च काम आता है। तो मेरे कहे पर पैसा मत लगाइएगा, अपना रिसर्च करिएगा या जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी सलाह लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।